नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म बताएंगे, साथ ही साथ उसके शॉर्ट में मीनिंग को भी बताएंगे, मतलब उस वर्ड के मीनिंग भी शॉर्ट में बताएंगे और उसके फुल फॉर्म को, जो आपको बहुत ही समझने में मदद करेगा जो स्टॉक मार्केट है उसको, खास करके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जो हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उसके रिलेटेड ये फुल फॉर्म है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे जो हमारे नॉलेज पूर्ण वीडियो है आपको हमारे चैनल पर देखने मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो सब मिलता रहे आपको, और वीडियो को लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही। तो वीडियो पहले देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला जो हमारा है वो है RII, ये होता है हमारा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। किसे कहते हैं? तो ये खास वर्ड तब यूज होता है जब हम IPO के लिए अप्लाई करते हैं। IPO के लिए समय अप्लाई करते वक्त आता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर अप्लाई 8%, टोटल इंडिविजुअल इन्वेस्टर अप्लाई 10%। तो इस तरह से आपको सुनने मिलेगा जो न्यूज़ चैनल्स है, TV है, उस पर तब वहाँ पर हमारा ये वर्ड यूज होता है कि हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, या आप जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये लिखा हुआ कि RII इतना परसेंट होल्डिंग इन दिस कंपनी। तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं वैसे इन्वेस्टर जिसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो कितना से कम होता है, 2 लाख से। किसी व्यक्ति का, कोई एक व्यक्ति है उसका जो है 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो ये रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गया कि 2 लाख, 2 लाख से क्या होना चाहिए, कम। 2 लाख से जब कम है उसका इन्वेस्टमेंट तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो उसके बाद आता है हमारा HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वैसे इन्वेस्टर होते हैं, मतलब जो IPO में अप्लाई करते हैं वैसे इन्वेस्टर जिसका अमाउंट 2 लाख से अधिक हो। जैसे कोई भी व्यक्ति 2 लाख 1 हज़ार, मतलब 2 लाख 1 हज़ार रुपये अप्लाई करता है IPO में, मतलब उतना अमाउंट का मतलब बिड लगाता है, IPO में बिड हम लगाना कहते हैं, तो 2 लाख 1 हज़ार रुपये का बिड लगाता है तो वो आगे किसमें, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में, मतलब 2 लाख से 1 रुपया भी अधिक होता है तो वो आ जाएगा HNI कैटेगरी में, 2 लाख से कम होता है तो वो आ जाएगा RII कैटेगरी में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम इस पर अलग से वीडियो डिटेल में बता देंगे कि क्या क्या कंडीशन है उसमें, क्या टैक्स बेनिफिट है, तो सारी चीज़ को हम बता देंगे तब उसमें, मतलब सारा टैक्स बेनिफिट और हर चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद आता है DII, डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो वैसे इन्वेस्टर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो हमारे AMC कंपनियां है, जो म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियां है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, वो आती है DII कैटेगरी में। जैसे हमारा HDFC, AMC, ICICI, AMC, उसी तरह से LIC हमारा, ये सब क्या आ गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके बाद आता है हमारा FPI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो जो भी हमारा कंपनियां रजिस्टर्ड है या जो भी कंपनियां हमारे देश के बाहर काम करती है, मतलब जो हमारा इंडिया है, इस कंट्री मतलब इसका इंडिया का जो बांड है, इसके बाहर जो भी रजिस्टर्ड है या जो कार्य करती है उस कंपनियों को हम क्या बोलते हैं, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके बाद आता है हमारा FPI किसको बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं वैसे इन्वेस्टर, मतलब वैसे जो हमारे विदेशी इन्वेस्टर हैं जो कि मतलब FII कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उसे हम FPI कैटेगरी में बोलेंगे। और FPI और FDI में थोड़ा सा डिफरेंस है, FPI वैसे हमारे इन्वेस्टर जो यहाँ के बैंक अकाउंट में, मतलब हमारे देश के बैंक अकाउंट में अपना रुपया रखकर यहाँ के स्टॉक में, यहाँ के बॉन्ड में, यहाँ के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं। वही FDI होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होता है किसी भी कंपनी के बिल्डिंग में, उसके मशीनरी में,
बिल्डिंग और मशीनरी में, किसी भी कंपनी के बिल्डिंग और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो FDI के अंतर्गत होता है। तो FDI और FPI इसमें अंतर समझ गए होंगे। FPI क्या होता है, जैसे बैंक अकाउंट में रख करके इंटरेस्ट प्राप्त करना, ये भी आता है हमारा FPI के अंतर्गत। मतलब FPI वैसे कैटेगरी जो इंटरेस्ट अर्न करता हो, स्टॉक मार्केट में अर्न करता हो, बॉन्ड में, सिक्योरिटीज़ में, वो FPI हो गया। किसी कंपनी के बिल्डिंग और उसके मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो FDI के अंतर्गत होता है। उसके बाद आता है हमारा SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, हम एक मतलब गोल सेट करते हैं अपना, उसके अनुसार हम हर मंथ, हर क्वार्टरली या कहे अर्ली जो इन्वेस्ट करते हैं उसे हम SIP बोलते हैं। मतलब हर मंथ जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 1000 या 5000, तो हम एक इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं कि हर महीने या हर क्वार्टरली, हर वीक या हर डे, सबका अपना अलग अलग होता है। तो उसको जो इन्वेस्टमेंट, इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो कि एक सिस्टमैटिक रूप में होता है, उसे हम SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। उसके बाद आता है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। मतलब किसी स्कीम में, किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड हैं और उसी म्यूचुअल फंड कंपनी का जो दूसरा स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करना, मतलब पहले, मतलब जो हमारा फंड है उससे एक खास अमाउंट निकाल करके दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट करना उसी म्यूचुअल फंड कंपनी के, उसको हम STP कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। मतलब एक फंड से दूसरे फंड में सिस्टमैटिक रूप से, मतलब मंथली ईयरली ट्रांसफ़र करना, उसको सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान बोलते हैं। उसके बाद आता है SWP, सिस्टमैटिक विदड्रॉवल प्लान। ये एक सर्विस होता है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा, जिसके अंतर्गत आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या अर्ली जो एक खास अमाउंट जो है पे आउट के रूप में लेते हैं, खास अमाउंट पे आउट के रूप में लेते रहते हैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक विदड्रॉवल प्लान। मतलब इसमें सिस्टमैटिक लगा हुआ है, मतलब एक खास पीरियड तय करते हैं और एक खास अमाउंट तय करते हैं। मतलब एक पीरियड भी तय कर लिए, एक समय भी तय कर लिए, एक खास अमाउंट भी तय कर लिए और वो उस पीरियड में लगातार इन्वेस्ट करते हैं या तो हम बाहर लेते हैं। जब इन्वेस्ट करेंगे तो SIP, जब बाहर लेंगे तो SWP। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। उसके बाद आता है हमारा AMC। तो अभी हमने पहले भी कहा जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसे हम AMC बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट जो मैनेज करती है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे यहाँ, जैसे ICICI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उस तरह बहुत सारी कंपनियाँ हैं। उसके बाद आता है NFO, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर क्या है, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो नया म्यूचुअल फंड लाती है उसका जो सब्सक्रिप्शन होता है उस प्रोसेस को हम NFO बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर बोलते हैं। मतलब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, उसको जो सब्सक्रिप्शन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड्स थे जिसके फुल फॉर्म हमने देखे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे।